हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश प्रोवाइडेड बाय राजस्थान अकेडमी। अपना टॉपिक चल रहा था टेंस का। टेंस में हम पढ़ रहे थे सिंपल पास्ट। टेंस में हम पढ़ रहे थे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट की स्टडी हमने कर ली थी, यानी पास्ट सिंपल जो टेंस है वो हमने पढ़ लिया था। इस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस आता है उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये बातें हमने जब टेंस की स्टडी की थी तब पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं हम यूज ऑफ पास्ट सिंपल। यूज ऑफ पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल का यूज हम कब करते हैं? तो देखिए, कुछ एडवर्ब्स हैं, उन एडवर्ब्स को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि इसमें पास्ट सिंपल आएगा या नहीं। तो उन एडवर्ब के आधार पर उसके अंदर हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कर सकते हैं। वो एडवर्ब कौन कौन से हैं देखिए। एक तो आती है अपनी यस्टरडे, द प्रीवियस डे, होता लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम। टाइम के रूप में आपको मिलेगा डे, वीक, मंथ, ईयर, इवनिंग, मॉर्निंग। इस प्रकार से आपको लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ऐसे मिलेगा। एक मिलता आपको इन प्लस पास्ट टाइम, इन प्लस पास्ट टाइम। फॉर एग्जांपल जैसे इन 1947, तो ये हो गया आपका इन प्लस पास्ट टाइम। इसी प्रकार से आपका एगो, लॉन्ग एगो, एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम। इस प्रकार की एडवर्ब यदि आपको सेंटेंस में दी हुई मिलती हैं तो उसके अंदर हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल का। इनमें से कोई भी एडवर्ब यदि आपको सेंटेंस में मिलती है, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट प्लस टाइम, इन प्लस पास्ट टाइम, एगो, लॉन्ग एगो, एंशिएंट टाइम, इनमें से कोई भी एडवर्ब यदि आपको दी हुई मिले तो उसके अंदर हम टेंस काम में लेते हैं पास्ट सिंपल। एग्जाम्पल देखिए इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही ब्लैंक में वर्ब दे दिया आपको कम है यस्टरडे। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, राम गॉट टू अमेरिका लास्ट ईयर। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आई वर्ब दे दिया आपको मेट हिम लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, इंडिया वर्ब दे दिया आपको गेट फ्रीडम इन 1947। अब देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका ही कम है और यस्टरडे एडवर्ब इसके अंदर दे दी। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, राम प्लेन गो टू अमेरिका लास्ट ईयर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम दे दिया। थर्ड देखिए, आई फिर ब्लैंक मेट हिम लॉन्ग एगो, ये भी एडवर्ब है आपकी। और फोर्थ सेंटेंस है, इंडिया गॉट फ्रीडम
इन 1947। तो देखिए ये जो सभी हैं, यस्टरडे है, लास्ट ईयर है, लॉन्ग एगो है और इन प्लस जो पास्ट टाइम है 1947, ये इंडिकेट करते हैं पास्ट सिंपल को। तो इसमें जो करेक्ट फॉर्म आएगी वो कौन से टेंस की आएगी? आपकी पास्ट सिंपल की आएगी। पास्ट सिंपल का सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लेना इंट्रोगेटिव। देखिए नहीं दिया हुआ इसमें तो नेगेटिव नहीं है, कहीं पर क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो ये सेंटेंस है अफर्मेटिव। ऐसे सेंटेंस है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको उसमें मैनुअल की कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म आती है। तो देखिए ही केम, राम वेंट, आई मैच, एक ई कम हो जाएगा इसमें से सेकंड फॉर्म होगी। तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो इस प्रकार से आइडेंटिफाई करके हमें क्या कर देना है, इसमें पास से सिंपल टेंस फिल कर देना। नेक्स्ट देखिए इसका यूज, नेक्स्ट इसका जो देखिए, आफ्टर, सिंस, प्रीपोजिशन, ये जो सिंस प्रीपोजिशन होती है ये देखिए बाद में कहीं पर भी आपको मैनुअल फिल करवाए जाए तो हमेशा कौन से फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस आता है। सिंस के बाद में यदि आपको कोई मैनुअल भरनी है, टेंस फिल करना है, तो हमेशा पास्ट सिंपल का यूज। एग्जांपल ही हैज बीन प्लेइंग सिंस आई ब्लैंक रीच, वर्ब दे दी आपको देयर। अब देखिए पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया हुआ, लेकिन आपको इसे नहीं देखना है, आपको देखना है कि सिंस के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी सिंस फोर आते हैं और उनके बाद में क्या आता है? टाइम आता है। और सिंस के बाद में जो टाइम आता है वो हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम आता है, और पास्ट सिंपल है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उसके पहुंचने का क्या है कि निश्चित समय है। तो सिंस के बाद में आपको वर्ब फिल करनी है, टेंस फिल करना, तो हमेशा पास्ट सिंपल करना और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल हो जाएगी रिच। सिंस आई टेंस करना वो आपको हमेशा पास्ट सिंपल करना है। नेक्स्ट देखिए इसका, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस टाइप सेकंड जो है वो देखें इसका, उसका स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर होगा आपका इफ प्लस पास्ट सिंपल कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड या शुड प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा तो उसमें कंडीशन क्रिएट होगी तो सेंटेंस कंडीशनल हो गया। उसमें सेकंड जो क्लोज होती है, जो सेकंड जो सेंटेंस है उसमें यदि आपको सब्जेक्ट वुड शुड और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो इफ के साथ वाली जो क्लोज होगी वो हमेशा आपके सिंपल में होगी। एग्जाम्पल देखिए, इफ ही वर्ब दे दिया आपको वर्क हार्ड कोमा ही वुड पास दी एग्जाम। देखिए इफ ही फिर ब्लैंक वर्क हार्ड He would pass the exam। क्लोज दिखाई दे रही है आपको, इसमें दो हैं
एक सेंटेंस में जितनी मेन वर्ब होती हैं उतनी क्या होती हैं उसमें क्लोज होती हैं। तो पहली क्लोज इससे स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब सेंटेंस कंडीशनल है। दूसरी क्लोज में सब्जेक्ट है आपका वुड है, और पास क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सब्जेक्ट वुड शुड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट क्लोज आपके कौन से टेंस की होगी, पास्ट से सिंपल की होगी। इफ की अब पास्ट सिंपल करोगे तो हो जाएगा आपका मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्कड हार्ड। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जाम। नेक्स्ट देखिए इसका यदि दो क्लोज हैं और वो पहले से कनेक्ट हैं, दो क्लोज का मतलब दो मेन वर्ब, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर दो मेन वर्ब हो और दोनों दो क्लोज होती हैं वो जुड़ी हुई किससे हो, वहन से हो, उसमें से एक पास्ट कंटिन्यूस में हो, पास्ट कंटिन्यूस में हो, तो दूसरी आपकी आएगी पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल की वहन से कनेक्ट होनी चाहिए दोनों क्लोज, उनमें से एक पास्ट कंटिन्यूस में, यानी एक में क्या होना चाहिए, वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होना चाहिए। तो एक में क्या हो गया पास्ट कंटिन्यूस, तो दूसरी डेफिनेटली आपकी पास्ट सिंपल की हो जाएगी। एग्जांपल देखिए इसका, आई फिर ब्लैंक वर्ब दे दिया आपको, सी ए स्नेक वहन, आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। तो देखिए सेंटेंस में दो क्लोज, एक तो मैन वर्ब ये सी और एक मैन वर्ब हो गई आपकी वॉक, इसका मतलब क्लोज इसमें दो हो गई और दोनों कनेक्ट किससे जुड़ी हुई, किससे, वहन से। जब वहन से जुड़ी हैं और दूसरी क्लोज है वो क्या, आई वॉज वॉकिंग पास्ट कंटिन्यूस में है, ये कंटिन्यूस में है, तो दूसरी किस में होगी आपकी, पास्ट सिंपल में होगी। आई सा स्नेक वहन, आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। थैंक्स स्टूडेंट्स, ये आपके पास्ट सिंपल के जो यूज हैं वो कंप्लीट हो गए।